आपदा में जश्न का अवसर निकालना कोई भाजपा से सीखे। कोरोना आपदा का इलाज ढूंढना था तो 6 साल के जश्न में डूब गए। कोरोना ने पूरे देश को चपेट में ले लिया तो एक और जश्न की तैयारी। सबसे ज्यादा समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल का जश्न। अब इस कार्यकाल की उन उपलब्धियों पर भी चर्चा होनी चाहिए जिन्होंने देश को दर्द दिया है, और ये काम आज हम करेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल को कमजोर करके अन्नदाता की जमीन कोड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी करने के लिए जो साहस चाहिए वो मोदी जी ने दिखाया। नोटबंदी जैसी अदूरदर्शी योजना के जरिए 2016 में ही देश की अर्थव्यवस्था का पंटाधार कर देने की उपलब्धि क्या कम है? गब्बर सिंह टैक्स के जरिए छोटे मध्यम व्यापारी भाइयों की दुकानों पर ताला लगाने का श्रेय मोदी जी के अलावा किसी और को कैसे जा सकता है? एक बेटी का यौन शोषण करके उसके पूरे परिवार को तबाह कर देने वाले अपने ही पार्टी के विधायक पर चुप रह जाना भी तो एक दर्दनाक उपलब्धि है। पढ़े लिखे युवाओं को पकोड़े तलने जैसी गगनचुंबी रोजगार की सलाह देना क्या कोई कम बात है? बेरोजगारी के 45 साल पुराने रिकॉर्ड को तहस नहस कर एक नया रिकॉर्ड बना देना भी तो एक उपलब्धि है। डीजल को पेट्रोल से महंगा बना देना क्या कम बात है? जीडीपी नेगेटिव हो जाए, निजीकरण ही सब कुछ बन जाए, ये भी तो बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की। अपने पूरे कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसी निर्लज्जता के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कुछ उपलब्धियां ऐसी भी हैं जो देश के सीने पर घाव कर गई। पुलवामा हमले की चार्जशीट दाखिल न कर पाने को देश का कोई सैनिक कैसे नजरअंदाज करे? चीन की घुसपैठ पर चीन को क्लीन चिट देने वाली उपलब्धि पर देश कैसे यकीन? और हाँ, भारत माता से झूठ बोलने की उपलब्धि का तो कोई तोड़ ही नहीं।